और जो खुद का व्यक्ति होता है उसके दिल में दर्द होता है आपकी समस्याओं के ऊपर। बाहर के आदमी को कुछ नहीं होगा, वोट लेके वो चले जाएगा। लोकल कैंडिडेट जो होगा आप परेशान होंगे, उसके दिल में दर्द होगा। स्थानीय प्रार्थी एवं बहिरागत प्रार्थी इस्यूते सरगरम धलाई उपनिर्वाचन। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা জিতেন্দ্র সিং এর বক্তব্যে স্থান পেল বহিরাগত ইস্যু। ধলাই আসনে বিজেপিকে কপোকাত করতে একের পর এক তীব্র বাক্যবাণ করলেন দলীয় প্রার্থীর হয়ে ম্যারাথন প্রচার অভিযানে আসা এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে ঝড় তুলতে সোমবার ধলাইয়ে এলেন কংগ্রেসের এক ঝাঁক কেন্দ্র নেতৃত্ব। বিজেপির মনোনীত প্রার্থী নিহার রঞ্জন দাসের তেমন বাজার নেই বলে দাবি করলেন ধলাইয়ের দর্মিখালে আয়োজিত কংগ্রেসের জনসভায় উপস্থিত বিশিষ্ট নেতৃত্বরা। কংগ্রেস প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় নেতারা বক্তব্য রাখেন। এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং বলেন, ধলাইয়ের কংগ্রেস প্রার্থী স্থানীয়, তাই স্থানীয় জনগণের সমস্যা তিনি ভালো বুঝবেন। আর বাইরের প্রার্থী ভোট নিয়ে চলে যাবেন, তাই কংগ্রেস প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয় করার প্রয়োজন রয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন জিতেন্দ্র সিং। তিনি আরো বলেন, মানুষের উৎসাহ এবং কর্মীদের মনোবল দেখে বলা যায় এবার উপনির্বাচনে ধলাইয়ে কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত। শুধু তাই নয়, 2026 এর বিধানসভা নির্বাচনেও আসামে কংগ্রেস আশানুরূপ ফলাফল করবে এবং সরকার গঠন করবে বললেন এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং। জনসভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এআইসিসির সম্পাদক পৃথ্বীরাজ সাটে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা, শিলচর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ পাল, প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থ, দুই বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার এবং মিসবাহুল ইসলাম লস্কর, দেবদীপ দত্ত, সজল আচার্য সহ অনেকে। धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम के ये लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है। तो आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आसाम की जनता ने तय कर लिया है कि 500 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 2026 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वो कांग्रेस पार्टी नहीं जनता की जीत होने वाली है। इस तरह का एक माहौल पूरे आसाम के अंदर बन रहा है। आपने देखा है कि जो हत्याचार इस चुनाव के इस पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है और वो चुनाव के अंदर झलक रहा है। आज पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक माहौल बन रहा है। आपने देखा कि जो भी पुराने अभी चुनाव हुए हैं, हरियाणा चुनाव के बारे में बताना चाहूंगा। हरियाणा चुनाव के अंदर एक तरफा वोट पड़ रहा था, लेकिन वहां एक जाति के साथ दूसरी जाति को झगड़ा करवा दिया और उसकी वजह से इनमें चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे भाई भाई के अंदर झगड़ा करवाया है। हमें बचना है साथियों, इसका जवाब देना है कि क्यों बराक वैली को और धलाई को विकास से वंचित रखा है, दूर रखा है। इनको जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा चुनाव के अंदर, हिसाब देना पड़ेगा कि धलाई के अंदर क्या उनने काम करा है। बड़े बड़े भाषण देने वाले हैं और कोई काम नहीं उन्होंने करा है। काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। इसलिए मैं आप सबों को निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि हमारे जो यहाँ के कैंडिडेट है, लोकल कैंडिडेट है, यहाँ के खुद के रहने वाले हैं और जो खुद का व्यक्ति होता है उसके दिल में दर्द होता है आपकी समस्याओं के ऊपर। बाहर के आदमी को कुछ नहीं होगा, वोट लेके वो चले जाएगा। लोकल कैंडिडेट जो होगा आप परेशान होंगे, उसके दिल में दर्द होगा। बाहर का आदमी तो बाहर का ही आदमी होता है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब जो लोग हैं वो खुद आप अपने कैंडिडेट बन जाइए, यहाँ की दूर दूर होकर खुद आप चुनाव आप लड़ेंगे। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी खुद आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि और भी देश के अंदर चुनाव चल रहा है, उनमें मुझे कहा है कि आप बराक में नहीं जाइए सबसे पहले।
मैं चुनाव के अंदर, पांच चुनाव चल रहे हैं आसाम के अंदर, लेकिन सबसे पहले मैं बराक वैली के अंदर, दुबई के अंदर आया हूं, उसके बाद में दूसरी जगह जाऊंगा, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी जी के दिल में दर्द है कि क्यों हमारे बराक वैली के मेरे भाई है, बुजुर्ग है, माता बहने हैं, वो विकास से इतने पीछे क्यों है। मैं गोटे भलाय सुखे कारण खुलीस भलायबाषे आम युव नेता ध्रुवज्योति पुरकाष्टक जी मरम चेनेहदी आपलोक जीधरणे सहय समर्थन जो कदम मैं देखी मैं निश्चित जो अहर 13 नवेम्बर तारिखे भलायबाषे समग्री और बरकबास सी एट ऐतिहासिक सिदान लबले गई आम गोटे बरकर प्रति बीजेपी सरकार हिमंत विश्व डांगरिया सरकार जी अन्याय कर बस्तुर बजार जीधरणे दाम जुई दूर बृद्धि पासे निबन समस्या बानपानी समस्या गड़ाखनियार समस्या चाह श्रमिकर समस्या खिलंजिया भूमिपुत्र जनजाति सकर माटि बाड़ी कागज पत्र समस्या एक कथा आज बीजेपी फालुरी काटि आमार समस्या समाधान कर विपरीते केवल आमार मजद घृणा और विभेद राजनीति करजेपिर जी षड़ षड़ विरुदे 13 तारिखे समग्र धलाईबास एकत्रित हो पे आम प्रार्थी ध्रुवज्योति पुरकाष्टक हाथ चीन भोट दीवार कारण मैं निवेदन जाना राइज ध्रुवज्योति पुरकाष्टलार बुका पानी खुचकी डांगर ध्रुवज्योति पुरकाष्टलार बता पानी खा पे डांगर ढलार बताहर डांगर हुआ ढलार पानी खा डांगर हुआ ढलार बुका पानी खुचकी डांगर हुआ ध्रुवज्योति पुरकाष्टर जी परियालर एक ढलार उन्नयन क्षेत्र अवदान हे कथा कोनो मानुहे अस्वीकार करिब नोवारे आमी एजन उपयुक्त प्रार्थी आपोनालोकर सम्मुखत दिछु ए 13 तारिखे जदि ध्रुवज्योति पुरकाष्टक आपोनालोके जिकाय दिए दिसपुर सरकार भंगा पडा नहय किन्तु कांग्रेस दल हिसाबे आमी जिबिला सिद्धान्त लैछु आज बीजेपी कि कय जे आमार 1250 टका अरुणोदय दिछे 1250 टका अरुणोदय एक हाते आपोनाक दिछे और एफाले सिलिंडार नाम 1150 टका आपनार पर लै जाए दालि नाम डबुल गाड़ी भाड़ा डबुल दरबर दाम डबुल कपुर दाम डबुल आम दुखिया मानु के चलो आम कांग्रेस दल सिद्धांत लैसो जैसे आम कांग्रेस क्षमता आपलोर दु आम प्रत्येक साधारण प्रति माह 9 तारिखे आम 9 लक्ष्मी नामे 3000 कोटी टका दीवर कारण सिद्धांत ग्रहण कर्णाटक दी आसो तेलेंगाना दी आसो आम साधारण मानी माह 9 तारिखे अरुणोदय जगत 9 लक्ष्मी 3000 टका पार जी सिद्धांत आम वास्तव करोज्योति पुरकाष्टर जरिए आशीर्वाद विचारिछो।